आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अग्रेसिव पैरेट को किस तरह बआसानी टेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अग्रेसिव पैरेट के केज में हाथ बिल्कुल नहीं डालना। वो आपसे डरता और इसीलिए आपके करीब आने पर वो चिल्लाता और काटता है। आपने सिर्फ रोज उसके केज में दाना पानी डालना है और उसे दूर बैठकर सिर्फ देखना है। आपने अपने पैरेट को कम से कम एक हफ्ते का टाइम देना है ताकि वो नए माहौल में एडजस्ट हो सके। आपको देखे और समझे कि ये शख्स मुझे रोजाना दाना पानी डालकर देता है और मुझे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। जब वो आपकी मौजूदगी से मानूस हो जाए और आपका पिंजरे के करीब आने पर कोई शोर ना करे, खामोशी से अपनी जगह बैठा रहे, तो इसका मतलब अब काफ़ी हद तक उसका डर ख़त्म हो गया है और आपसे दोस्ती करने के मूड में है। अब आप रोज़ कुछ देर के लिए उसके पिंजरे के पास बैठिए। ऐसा करते जब आपको एक हफ्ता गुजर जाए तो अब आप उसके केज में खाना मत रखिए। पिछले दिनों जब आप उसे खाना दे रहे थे तो आपने ये भी नोट करना है कि वो क्या चीज़ शौक से खा रहा है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि वो आम शौक से खा रहा है, तो अब आप केज का दरवाज़ा खोलकर आम अपने हाथ में लेकर बैठ जाइए। अपना हाथ पैरेट के करीब लेकर नहीं जाना है, बल्कि इस बात का इंतज़ार करना है कि कब पैरेट नीचे उतरकर आपके हाथ से आम खाए। हो सकता है ऐसा करने में आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ जाए, पर आपने सब्र और हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि एग्रेसिव पैरेट को टेम करना इतना आसान नहीं। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रहे कि एग्रेसिव पैरेट दो तरह के होते हैं। नंबर वन, वो पैरेट जो सिर्फ अपने ओनर से टेम होते हैं और जब वो नए ओनर के पास जाते हैं तो वो नए माहौल से घबराते और उनके हाथ पर नहीं आते, उनको काटते और दूर भागते हैं। पर चूंकि ये एक हद तक ट्रेन होते हैं और उनका गुस्सा वक्ती होता है, तो ऐसे पैरेट थोड़ी सी मेहनत करने पर वापस से टेम हो जाते हैं। जबकि दूसरे एग्रेसिव पैरेट्स वो होते हैं जिनको हम सादा अल्फाज में जंगली तोते भी कह सकते हैं, जिनको उनकी माँ ने बचपन में फीड करवाया होता है और वो इंसानों से बिल्कुल भी मानूस नहीं होते। जैसे ये कॉकटेल्स हैं, उनको बचपन में उनके माँ बाप ने ही फीड करवाया था और ये केज से कभी बाहर नहीं आए और ना कभी किसी इंसान ने उनको हाथों पर लिया है, इसलिए इनको भी जंगली तोता कहना गलत ना होगा। खैर, चलिए आइए अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जब ये आपसे खाना लेने लग जाएं तो उनको केज से बाहर आने का भी मौका दीजिए और हर रूटीन का आदि बनाने के लिए उनको एक हफ्ते की सेम प्रैक्टिस करवानी है। एग्रेसिव पैरेट को टेम करना जल्दबाजी का काम नहीं, आपको सब्र और हिम्मत से मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना है। मिमी भी एग्रेसिव थी क्योंकि वो भी एडल्ट ही आई थी, पर अब उसको क्योंकि हमारे साथ रहते 10 साल हो चुके हैं इसलिए आपको इतनी टेम नज़र आती है। पर ये कॉकटेल्स क्योंकि दो दिन पहले ही मेरे पास आए हैं तो इनको ट्रेन करने में टाइम लगेगा। अब ये मालूम नहीं कि ये वापस कितने दिन में चले जाते हैं। अब आप रोज़ अपने पैरेट के केज के पास बैठिए और इसका कोई फेवरेट फूड उसके प्याले में रखिए। फिर देखिए कि अगर वो आपके सामने उतरकर फूड लेने नीचे आता है और आपके सामने ही बैठा खाने लगता है, तो समझ जाइए कि आपकी कोशिश रंग लाने लगी है। इसी तरह अगर वो आपके सामने पीट करके बैठ जाता है और प्रीनिंग करता है, तो इसका मतलब वो अब आप पर भरोसा करने लगा है। अब आप उसे केज से बाहर निकाल सकते हैं। केज से बाहर आने पर वो सबसे पहले बाहर रोशनी की तरफ उड़ने की कोशिश करेगा। आपने पहले ही सब एहतियात करके रखनी है कि वो बाहर ना उड़ जाए। अब आप उसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए और पुरसुकून होने दीजिए। उसको खाने के लिए प्याला रख कर दीजिए और उसकी पसंदीदा ग़िज़ा इस प्याले में डालिए। इन सब ट्रेनिंग में आपको 1 से 2 घंटा भी लग सकता है, जब तक आपका पैरेट पुरसुकून हो सके और खामोशी से एक जगह जाकर बैठ जाए। अब आपने एक स्टिक लेनी है और उस पर पैरेट को लेना है और वापस पिंजरे में डालना है। पैरेट को पकड़ने की गलती कभी मत कीजिएगा, आपकी हफ्तों की मेहनत मिनटों में ज़ाया हो जाएगी और उसका आप पर भरोसा मिनटों में टूट जाएगा। पैरेट का केज बीच रास्ते में ना रखिए कि वो अपने आप को गैर महफूज महसूस करे। उसका पिंजरा किसी कोने में रख दीजिए जहाँ से वो लोगों को आता जाता देख सके और उसको किसी के पीछे से आने का खौफ ना हो।
इसी तरह पैरट को म्यूज़िक लगा कर दीजिए, जैसे मैं तोता वाली पोएम या दूसरा कोई म्यूज़िक। ये उनका स्ट्रेस लेवल कम करता और उनकी तवज्जो बटाता है। इस तरह पैरट अपनी परेशानी भूलने लगते और नए माहौल में एडजस्ट होने लगते हैं। जब आपका पैरट स्टिक पर आने लगे तो अब आपने उसे अपने हाथ पर लेने की कोशिश करनी है। ऐसा करते वक्त आप स्टिक उसकी चोंच के आगे कर दीजिए ताकि वो चोंच से स्टिक को पकड़ ले और आपको ना काट सके। एक हफ्ते इसी रूटीन को जारी रखिए और आपकी मुसलसल कोशिशों और मेहनत से आपका अग्रेसिव पैरट भी टेम हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Don't touch